खरगोन जिले के सनावद में कांग्रेस का विधानसभा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में वरिष्ठ नेताओं के साथ कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां उन्होंने अपनी बात रखी। खरगोन की बड़वा विधानसभा मिशन 2023 का कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन सनावद में रविवार शाम को आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी कुलदीप सिंह इंदौरा, खरगोन जिला प्रभारी जयसिंह ठाकुर, जिला अध्यक्ष रवि नायक, नरेंद्र पाटिल समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने उपेक्षा को लेकर जमकर अपनी भड़ास निकाली और वरिष्ठ जनों के सामने अपनी बात रखी। ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत है, इनकी फितरत है इस काम में कि कोई काम करो अचानक कर दो, अचानक कोई काम थोपना है जनता पे थोप दो। क्या कभी इन्होंने पूछा नोटबंदी करने जा रहे हैं तो उसके बाद देश के हालात क्या होंगे? जीएसटी हम लगाने जा रहे हैं, क्या व्यापारियों से, छोटे या बड़े व्यापारियों से चर्चा की कि अगर जीएसटी लागू होगा तो उसका क्या असर होगा? क्या इन्होंने तीन किसानों के बिल थोपे तो इन्होंने चर्चा की कि हम तीन बिल थोप रहे हैं, क्या किसान को फायदा हो जाएगा? क्या इन्होंने कोरोना काल में इस बात की चर्चा की कि लॉकडाउन हम करने जा रहे हैं, जो गरीब दूर बैठे हैं, जो 6 महीने लॉकडाउन में फंस जाएंगे, उनकी रोजी रोटी का क्या इंतजाम होगा, उनका परिवार जो महिला करता हूँ कि बात आज हम सुनी गई। निश्चित रूप से आज जो एक कार्यकर्ता है कि जिसको अभी उपाधि मिली थी कभी पूर्व नहीं लगता है, यही हमारी कांग्रेस की आन बान और शान है और यही जमीनी स्तर पर संघर्ष करता है, कांग्रेस के लिए लड़ता है, कांग्रेस के लिए व्यक्तिगत बुराई मोल लेता है और कई बार उसको मुकदमों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन डट कर वो खड़ा रहता है। ऐसे साथियों को मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ। और आज सभी वक्ताओं ने यहाँ बात रखी, अपना दर्द सुनाया। मैं आप लोगों की जो बात है उसके हमारे कुलदीप भाई के माध्यम से हम आदरणीय कमलनाथ जी तक जरूर पहुंचाएंगे और निश्चित रूप से हमारी सरकार बन रही है उसमें कार्यकर्ताओं को कितना महत्व मिले ये हम 22 बार हम नीति एक निर्धारण करेंगे। मैं साथियों, आज जो हमारा ये जो सत्याग्रह है, ये जो सत्याग्रह मेन जो हमने रखा, बाकी तो हम बताना चाहते हैं कि किस तरह से हमारे कुलदीप भाई वो बताएंगे। सत्याग्रह राहुल गांधी की जो सदस्यता समाप्त की है अलोकतांत्रिक तरीके से, इस देश में जो है तानाशाही शक्तियां इतनी ज्यादा जो अपना प्रभु वो जो छोड़ रही है हर जगह, आप सब देख रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष के आज कार्यकर्ता सम्मेलन था, आपने संबोधित किया है, किस तरीके से उम्मीद नजर आती है 2023 के लोकसभा विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, जिला खरगोन कमेटी की ओर से आज के इस कार्यक्रम में हमारे जिला अध्यक्ष रवि नायक और जयसिंह जी राठौर साहब, आज हमने जो जय भारत सत्याग्रह कार्यकर्ताओं की आज बैठक रखी, इसमें इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की मोदी की सरकार ने आनन फानन में राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द की है, उसके विरोध में हम भी नहीं, पूरा देश इस मोदी सरकार के विरोध में है, तमाम प्रदेशों में, जिलों में, सभी जगह इस बात को लेकर भारी रोष है, सभी जगह धरना प्रदर्शन आंदोलन और सत्याग्रह चल रहा है, ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी जब तक इस मोदी सरकार को हम उखाड़ कर नहीं फेंकते। क्या लगता है राहुल गांधी जी जेल जाएंगे क्या, क्योंकि वो किसी जगह पर कोई भी कोर्ट में अपना दरवाजा नहीं खटखटा रहा है? राहुल गांधी जी भीक है, निडर है, मजबूत है, इनके डराने से डरने वाले हैं नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जी कठिन परीक्षाओं में हमेशा खड़े उतरे हैं। आज इतनी कठिन तपस्या उन्होंने की, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 3500 किलोमीटर से ऊपर चलना, चाहे आंधी आया, चाहे तूफान आया, चाहे बर्फबारी हुई, चाहे बरसात हुई, कोई भी हालात रहे, उनकी यात्रा नहीं रुकी और देश के तान के लिए, भारत को जोड़ने के लिए, लोगों के भविष्य के लिए वो संघर्ष जारी रखेंगे, मेरा ये मानना है। क्या लगता है आपको, खुद गृह मंत्री उनको रास्ता बता रहे हैं कि आप इस जगह चले जाओ तो यहाँ से आपको माफी मिल जाएगी या वापस सदस्यता मिल जाएगी? ये बात कही, राहुल गांधी जी को डरने वाले नहीं, राहुल गांधी जी को रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं, राहुल गांधी जी खुद जानते हैं और ये चाहे कितना भी कठोर से कठोर निर्णय राहुल गांधी जी के खिलाफ ले लें
राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं और हम सब लोग राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला। ठीक, थैंक यू। बड़वा से वाजिद खान की रिपोर्ट।